उसमें से कुछ चंद बहुत ही कामयाब है। सबसे पहले नंबर पे है बिटकॉइन, सब लोग जानते हैं आज जो उसकी 25 लाख के आसपास कीमत है। उसके बाद है इथेरियम, थोड़े बहुत कम लोग जानते हैं जिसकी कीमत है अंदाजे से 1.5 लाख एक कॉइन की। और तीसरा है बीएनबी, बीएनबी आज भी 20-25 हजार के आसपास चल रहा है, जो एक आम इंसान जो हम क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं सर दिखाने के लिए कोशिश करते हैं ना, वो भी और वाकई में लाइफ में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अमीर होना चाहते हैं ना, वो भी सब दीवाने हैं बीएनबी के। और ये पूरा बिजनेस प्लान भी आपको क्रिप्टो करेंसी का थर्ड नंबर का कॉइन कैसे हम कमा सकते हैं वो रास्ता दिखाना चाहता हूँ। चलिए फटाफट चलते हैं। देखो स्वाभाविक है कि हम दुनिया में हर जगह पर एक ही जगह पर काम करते हैं, एक ही ऑफिस या एक ही फैक्ट्री या एक ही शोरूम, यहाँ पे भी एक ही जगह पर काम करना है। वन वर्किंग नॉट कर लो, इसका नाम है E3+। अब डिजिटल दुनिया है तो नाम तो डिजिटल रहेगा, तो इसका नाम है E3+। जहां पे काम करना है वहां पे काम करने से पैसे आएंगे। और जो लोग ऐसे हैं कि अरे भाई साहब वो नहीं, हमको पहले ये बताओ यार बिना काम किए क्या मिलेगा, चलिए हम वहां पे ले चलते हैं। नॉन वर्किंग इनकम यानी कि ऑटोपूल, जो पूरी दुनिया में लोग संगठित होकर काम करते हैं ना, उसमें से जो इनकम जनरेट होती है टन बाय टन मिलती है, चार जगह पे मिलती है, एक नहीं चार जगह पे। पहली जगह है E5 जहां पे मिलता है 7.2 बीएनबी। अगर 30,000 रुपया एक बीएनबी का दाम गिनोगे तो बीएनबी समझना आसान हो जाएगा, 7.2 बीएनबी अंदाजे से 2,10,000-15,000 एक आईडी से मिलेगा। E5+ यानी कि 144 बीएनबी, दूसरी जगह जिसका नाम है E5, 144 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम, जहां पे कुछ नहीं करना है फिर भी मिल सकता है एक आईडी से, प्रति आईडी भी कह सकते हो। तीसरी जगह है EG4, 601 बीएनबी, EG4 नाम का नॉन वर्किंग प्लस, जहां से हर एक आईडी पे मिलता है 610 बीएनबी का नॉन वर्किंग। और E3 प्रीमियम, वाकई में प्रीमियम है, जानोगे तो पता चल ही जाएगा, 300 बीएनबी का फोर्थ नॉन वर्किंग इनकम। तो ये जो बिजनेस है जहां पे एक ही जगह पे काम करना है लेकिन चार जगहों पर आप पहुंच सकते हो, हर एक आईडी के ऊपर आपको ढेर सारे बीएनबी के रूप में बहुत सारी इनकम मिलने वाली है। अब बात यहाँ पे शुरू होती है कि बीएनबी तो खुद एक 20-25 हजार का है, तो क्या इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भी ट्रेडिशनल बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट लगता है उतना लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो सैल्यूट करते हैं ये प्रोग्राम बनाने वाले बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे उमेश कुमार सर को, जिन्होंने ये बहुत ही बारीकी से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया। जैसे हम सोने को 100 टुकड़ों में बांट दे तो उसका वजन कम हो जाने से उसकी कीमत कम हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी एक बीएनबी को 100 टुकड़ों में बांट दिया गया। और उस 100 छोटे से टुकड़े से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो। मान लो सिर्फ 50,000 भी कीमत हो गई तो भी ये 500 रुपए से शुरू होगा, क्योंकि आने वाले में बिल्कुल बहुत ही कम समय में 1 लाख भी हो जाएगा ना, तो भी कोई भी इंसान बिजनेस को सिर्फ 1,000 से शुरू कर पाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ साल में इसको आप 5 लाख देखोगे ही देखोगे। अगर नहीं शुरू करोगे ये बिजनेस तो अफसोस तो जरूर होगा, फिर भी वो टाइम पे भी ये बिजनेस को आप 5,000 से भी शुरू कर पाओगे। लेकिन जितना जल्दी जागेंगे उतना जल्दी माल पाएंगे। चलिए तो सबसे पहली बात यह है कि आप इस बिजनेस को बिल्कुल अफोर्डेबल अमाउंट यानी कि 0.01 बीएनबी से तो शुरू कर सकते हो, एक एकदम छोटी सी कीमत से। क्या करे मन बेचारा सबसे पहले यही सवाल करता है कि बिना कुछ किए क्या मिलेगा। चलिए दोनों बात करता हूं। जैसे ही ये प्रोग्राम में ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से प्ले स्टोर से इंस्टॉल होता है, ट्रस्ट वॉलेट नाम का ऐप जो दुनिया की ज्यादातर क्रिप्टो करेंसियों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उस ऐप के माध्यम से आप evergreenworld.io के परिवार में जुड़ सकते हो। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ सिर्फ 0.01 बीएनबी, हालांकि थोड़ी गैस भी तो लगती है यार, जैसे ही आप जुड़े ना, कंप्यूटर यानी कि रोबोटिक 100% रोबोटिक सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम, आपके 0.01 बीएनबी का 2 हिस्सा करता है।
एक हिस्सा चला जाता है जहां पे हम काम करके ढेर सारे बीएनबी के रूप में इनकम कमाते हैं, और दूसरा हिस्सा, चलो यार कोई बात नहीं काम नहीं हुआ तो भी बीएनबी के रूप में इनकम मिलेगी। कितनी मिलेगी? कम से कम 7.2 बीएनबी, यानी कि 30,000 से देखोगे तो 2,10,000 रुपया। दिमाग तुरंत वहीं चला जाता है, ठीक है चलो 0.1 बीएनबी आज के कीमत के हिसाब से देखो तो अंदाजे से 5,000 में तो 500 रुपए में, सिर्फ 500 रुपए में तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो 2,10,000 भी मिलेंगे। अच्छा पहले ये बता, ये 2,10,000 बनेंगे कैसे, बाद में सोचता हूँ, चलिए मैं वहां पे लेके चलता हूँ। सबसे पहली बात ये बता देता हूँ कि ये 2,10,000 बनते कैसे, जिसको कहते हैं सबसे पहला ऑटोबल 7.2 बीएनबी वाला। वो ग्लोबली पूरी दुनिया में जितने एवरग्रीन परिवार में लोग जुड़े हैं ना, और नए नए लोग जो जुड़ के आ रहे हैं ना, सबको एक कतार में रखा जाता है और कंप्यूटर अपने हिसाब से हिसाब करके आपको क्यू में जहां पे नंबर है उसके नीचे, जब नई क्यू में आपके नीचे ऑटोमेटिकली एक दिन जब 5 लोग आएंगे ना, तो उन 5 लोगों में से दूसरे और चौथे इंसान का 0.005 जो हिस्सा नॉन वर्किंग में गया है, वो 0.01 का आधा 0.005 जो नॉन वर्किंग में गया, वहां से आपके नीचे जो नॉन वर्किंग वाले 5 लोग पूरी दुनिया से कोई भी जुड़ेगा, कहां से कौन जुड़ा कोई पता नहीं, वो 2 लोग के जुड़ने से 0.01 आपके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएगा एक दिन ऑटोमेटिकली। और उन 5 के मैट्रिक से चलने वाले में पहले तीसरे और पांचवी जगह पे जो लोग आएंगे उनका मिलके हो जाता है 0.015। वो आपके वहां पे भी तो कोई ग्लोबली अप्लाइंट रहेंगे जिनको आप भी नहीं जानते और वो आपको नहीं जानता, लेकिन फिर भी ये उनके घर पे पहुंचेगा 0.015। जैसे उनके घर पे 0.015 उनके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच गया, आपका एक नया लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। पहली बार में आपको मिला था 0.01 बीएनबी, दूसरी बार में मिलेगा आपको 0.03 बीएनबी, और जो दूसरा स्लॉट अपग्रेड हुआ था उसके बाद जब आपका तीसरा स्लॉट अपग्रेड होता है, ये दूसरे स्लॉट का विजुलाइजेशन करवा दूं क्योंकि बात को कभी समझने में मुश्किल होती है, ध्यान से सुन लीजिए, वापस मौका मिल रहा है 0.015 बीएनबी के जो 5 का मैट्रिक्स है उसमें जब दूसरा और चौथा इंसान जुड़ेगा 0.03, एक इंसान का 0.015 दो का मिला के हो गया 0.03 आपके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच गया, और पहला तीसरा और पांचवें इंसान का मिला के 0.015 तीन लोगों का हो गया 0.045, वो पहुंच गया आपके वहां के ग्लोबल अपलाइन के पास और आपका स्लॉट नंबर 2 से अपग्रेड हो गया स्लॉट नंबर 3 ऑटोमेटिकली। तीन नंबर के स्लॉट से लेके 3 नंबर का स्लॉट 4, 5 और 6, ये सारी जगह ऐसी है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपकी जो नॉन वर्किंग इनकम इकट्ठा होती है उसमें से 0.02 जो तीसरी कॉलम, लास्ट तीसरी कॉलम में लिखा है रीजनरेट बीएनबी, उस अमाउंट से आपके लिए लास्ट कॉलम में जो लिखा है रीजनरेट आईडी, यानी कि हर एक तीसरा चौथा पांचवा छठा, वो सारी किस्तों में 4-4 नए आईडी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपके नाम का जनरेट करता है। मैजिक ये है कि जब आपने सिर्फ 500 से बिजनेस शुरू किया, कुछ हुआ नहीं हुआ, तो भी 6 किस्तों में जब आपको 7.20 बीएनबी यानी कि 2,15,000 जैसी इनकम मिलेगी, वो मिलते मिलते 16 नया ऐसा आईडी कि जो आपको 7. बीएनबी दे, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर रीजनरेट कर देगा, है ना जादुई चिराग, ये तो कुछ नहीं, आगे देखिए क्या क्या है। तो यहाँ पे है रीजनरेशन का जादू, जिसमें कोई भी इंसान कुछ नहीं कर पाया तो भी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपके नाम का आईडी रीजनरेट करता है, और जब आपकी एक आईडी से आप 7.2 बीएनबी कमा लोगे, नई 16 आईडिया आपको 7.2 बीएनबी देने के लिए काम करने लगेगी। बहुत सारी चीजें है ना वो दिखाई देती है, मैथमेटिकली समझ में भी आती है लेकिन विश्वास नहीं होता, और उसके लिए है ना आपको उस शर्ट का, उस वस्त्र का पहनने का मजा क्या है ना,
वो वस्त्र पहनोगे ना तो ही समझ में आएगा। बहुत सारी जिंदगी में कलर समझ में नहीं आते जब तक हम उसको खुद पहन के आईने में नहीं देखते कि वाकई में ये वस्त्र मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। उसके लिए वो वस्त्र पहनना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह विश्वास आए ना आए, आपको एक बार ये बिजनेस में जुड़ना पड़ेगा। जब बीएनबी आने लगेगा तो विश्वास अपने आप प्रकट हो जाएगा। चलिए तो फिर हम चलते हैं। जब आपको पता चल गया कि इस बिजनेस में गंवाने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ कमा सकते हैं, तो फिर क्यों ना ट्राई की जाए, क्योंकि ये रीजनरेशन का जादू ऐसा जबरदस्त है कि एक आईडी में से 16 आइडिया बनती है, तो 1000 आईडी में से 16000 आइडिया बनती है, तो 1,00,000 में से 16,00,000 आईडीज भी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि चलिए कोशिश की जाए काम करके पैसा कमाने की, क्योंकि काम करके पैसा जल्दी और तुरंत आता है और ढेर सारा आता है। मैं आपकी सोच की कदर करता हूं क्योंकि मैं भी इस बिजनेस में कामयाब काम करके हुआ हूं। चलिए मिलके काम करते हैं। तो काम करने के लिए जब हमने शुरुआत की तो वर्किंग एरिया में हमारा पैसा आया 0.005 बीएनबी। हमारी फितरत है जो भी नाम काम शुरू करते हैं तुरंत दूसरों को कहते हैं भाई हमने तो ये किया, तो कोई ना कोई हमारे साथ आ ही जाता है, बोलते भाई चल मैं भी तेरे साथ आता हूं। कोशिश करते हैं, गंवाने का कुछ नहीं तो फिर ट्राई मारने में क्या हर्ज है। शुरू हो गया आपका काम। जैसे ही आपके साथ पहला इंसान जुड़ा, तुरंत उसके जुड़ने से उसका वर्किंग एरिया के रूप में आपके लिए जो कमीशन जनरेट हुआ, उस कमीशन की अमाउंट से आपको दोबारा 7.2 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम दे दिया जाएगा। यानी कि वापस आप एक नए 7.2 बीएनबी के ऑटोपुल में शुरू हो जाओगे, एक के बजाय दो आइडिया होंगे। और इस बिजनेस में दूसरी पायदान पे और तीसरी पायदान पे, मतलब दूसरा इंसान आ गया, तीसरा इंसान आ गया, उन लोगों के जुड़ने से उन लोगों का 0.005 बीएनबी जो है ना, वो विदाउट वेस्टिंग टाइम नैनो सेकंड के अंदर सीधा आपके ट्रस्ट वॉलेट में, वो भी बिना कोई विड्रॉल का बटन दबाए सीधा आपके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाता है। और जब आपके साथ चौथा इंसान जुड़ता है तो यहां पे आपकी एक जिम्मेदारी खत्म होती है, यानी कि एक साइकिल की, ये एक साइकिल है, एक छोटा सा चार लोगों को जोड़ने का साइकिल। जब आप चौथे इंसान को जोड़ते हैं तो आपकी एक साइकिल खत्म हुई, और चौथा इंसान को जुड़ने पर चौथे इंसान का 0.005 रिसाइकल होता है। और कहा जाता है, आप जिसके साथ जुड़े ना, आज जिन्होंने आपको इनवाइट किया है ना, वो आपके स्पॉन्सरर है, यानी कि आप उसको अपलाइन भी कह सकते हो। ये चला जाएगा उनके पास, और उनकी दूसरी पोजीशन पे अगर है, पहली पोजीशन पे तो आप बांट लो, दूसरी पोजीशन पे है तो दूसरी पोजीशन के हिसाब से वो उनके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको ये बिजनेस को डेवलप करने में मदद की। लेकिन आपका क्या, आपने चौथा इंसान लाया, कोई बात नहीं, आपने लाया है तो आपके लिए सिम खुल जाता है दरवाजा ये कि आज से आप दूसरे चार लोगों को जोड़ पाओ, साइकिल नंबर टू आपके लिए खुल जाए, इसलिए चार जगह खाली हो जाती है। चलिए समझते हैं कि चलो ये मैंने यार चार लोगों को जोड़ भी दिया तो मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पे है 0.01 बीएनबी, 30,000 से देखो तो 300 रुपए आपकी इनकम हो गई, और टोटल एक साइकिल खत्म करने पे दो आईडी आपके 7.2 बीएनबी में पहुंच गए, यानी कि 4,30,000 की नॉन वर्किंग इनकम के लिए आप क्वालिफाई हो गए, आपका ऑटोपुल स्टार्ट हो गया। अरे यार ये तो मजा आ गया, तो चलो स्लॉट अपग्रेड करते हैं टू पे। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी एक साइकिल खत्म हो जाती है तो आपको एक बार स्लॉट अपग्रेड कर लेना जरूरी है। दूसरे कदम पे पहुंचोगे तभी तो पहले का ज्यादा लुत्फ उठा पाओगे, क्योंकि उसके बाद आप पहले स्लॉट पे कितने भी लोगों को जोड़ लो कोई इश्यू नहीं, आपका कोई कमीशन लॉस कुछ भी नहीं होगा। और जब आप कामयाब होना ही चाहते हो तो थोड़ा में क्यों, ज्यादा क्यों नहीं। तो चलिए स्लॉट अपग्रेड कर लिया आपने 0.01 से, आपके साथ वापस एक आदमी आ गया, बोलता है हम भी आपके साथ चलेंगे, तो उन्होंने स्लॉट अपग्रेड किया तो 0.01 से हुआ। यहाँ पे दोनों चीज मिल गई, यानी कि आपका तीसरा आईडी 7.2 बीएनबी का पहुंच गया वर्किंग इनकम में, और साथ में ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच गया 0.005 बीएनबी, दोनों मिल गया। और एक अभी आप बात आसानी से समझ पाओ इसलिए बता रहा हूं, मान लो कि ये 13 फ्लोर का बिल्डिंग है, 1 से 13 फ्लोर वाला बिल्डिंग है, और हर एक फ्लोर पर जब आप दूसरी जगह पर पहुंचते हो तो उस फ्लोर पे लगने वाली कीमत 100%
आपके ट्रस्ट वॉलेट में आती। चलिए आसान भाषा में बताता हूं, आप स्लॉट नंबर टू पे हो, यानी कि फ्लोर नंबर टू पे है। अब आपका फ्लोर नंबर टू की कीमत है 0.01 बीएनबी। अब यहां पे दूसरा इंसान आपके साथ जुड़ा तो उसका 100% यानी कि 0.01 बीएनबी पहुंच गया बिना कुछ रुकावट के सीधा आपके ट्रस्ट वॉलेट में। यहाँ पे कोई विड्रॉल का सिस्टम ही नहीं है, सीधा आ जाता है ट्रस्ट वॉलेट में। जब आपने तीसरे इंसान को जुड़ा तो यार कुछ अलग है, दो कलर है, कोई बात नहीं। दो कलर का मतलब होता है आधा आधा, 50-50, यानी कि 0.01 का आधा 0.005 पहुंच गया आपके ट्रस्ट वॉलेट में, और दूसरा आधा हिस्सा आपके अपलाइन के भी अपलाइन, यानी कि सेकेंड अपलाइन, आप जिसके साथ जुड़े वो जिसके साथ जुड़े उनके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएगा। और अभी आपको भी याद रह जाएगा कि जब भी चौथे इंसान को जोड़ते हैं तो उसका पैसा रिसाइकल होके पहुंच जाता है अपलाइन के पास, और उसकी जो पोजीशन रहेगी दूसरी तीसरी चौथी उसके हिसाब से वो वहां पे काम करेगा। लेकिन आपके लिए क्या करेगा, ये जो चार जगह अभी फुल हो चुकी है आपके लिए एक नई साइकिल खाली कर देगा, हो गया ना। तो देखिए हमने सेकंड स्लॉट में 0.02 बीएनबी कमा लिए, यानी कि टोटल कितना कमाया, 0.03 बीएनबी, 900 रुपीस कमा भी लिया। मूलभूत धन इन्वेस्ट हुआ था 500, वो तो घर पे भी आ गया, लेकिन साथ में मिल गए तीन आईडी 7.2 बीएनबी के, यानी कि 6,48,000 का नॉन वर्किंग ऑटोपोल, यानी नॉन वर्किंग इनकम। चलिए जब आप आगे बढ़ने ही लगे हो तो दूसरे स्लॉट से तीसरे स्लॉट पे पहुंच जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको भी मेरी तरह थोड़ा कम पैसा थोड़ी ना कमाने आए हैं यार। चलिए थर्ड स्लॉट हमने अपग्रेड किया, 0.02 इसकी वैल्यू है। जैसे ही आपके साथ पहला इंसान जुड़ा तुरंत नैनो सेकंड में 0.01 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में भी पहुंच गए, और एक साथ और दो आईडी वापस नॉन वर्किंग इनकम में पहुंच भी गए। अब आपको भी पता है कि तीसरी मंजिल हो या 13वीं मंजिल हो, कहीं पे भी दूसरा इंसान जुड़ेगा तो पूरा का पूरा ट्रस्ट वॉलेट में ही आएगा। 0.02 पहुंच गया आपके ट्रस्ट वॉलेट में तीसरा इंसान, यानी कि दो कलर, 50-50, मतलब कि 0.02 का आधा 0.01 पहुंच गया आपके ट्रस्ट वॉलेट में, और 0.01 पिंक कलर यानी कि सेकंड अपलाइन के पास। और जैसे ही चौथा इंसान जुड़ा हो गया वो रिसाइकल, रिसाइकल होके अगर आपकी अपलाइन की सेकंड पोजीशन में गया तो 0.02 बीएनबी उनके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएगा, और आपके लिए क्या करेगा, आपके लिए वापस चार नई जगह खाली कर देगा। अनलिमिटेड लोगों को जोड़ सकते हो आप यहाँ पे। तो ये है प्यारा सा एवरग्रीन का बिजनेस, जहां पे थर्ड स्लॉट पे आपने कमा लिया 0.04 बीएनबी और टोटल इनकम हो गई आपकी 2100, और साथ में पांच आईडी 7.2 बीएनबी का, यानी कि 10,80,000 के नॉन वर्किंग इनकम। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, स्लॉट नंबर चार आपने अपग्रेड किया क्योंकि आपको मेरी तरह ढेर सारा कमाना है। तो शुरू में तो जब दुकान शुरू होती है तो थोड़ा कमाते भी है, थोड़ा इन्वेस्ट भी करते हैं। चलिए वही कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे चलते जाते हैं। 0.04 बीएनबी का चौथा स्लॉट, फोर्थ फ्लोर, वहां पे आपके साथ एक इंसान आपके साथ जुड़ा 100%, यानी कि 0.04 पूरा का पूरा आपके ट्रस्ट वॉलेट। दूसरा इंसान वो तो पहले से ही तय है, दूसरा इंसान जुड़ा तो 100% ही मिलना है, तो मिल गया 0.04 बीएनबी। तीसरा इंसान जुड़ा तो 0.04 दो कलर है, तो 50 या 50, यानी कि 0.02 बीएनबी, 0.02 आ गया आपके ट्रस्ट वॉलेट में, 0.02 पहुंच गए आपके सेकंड अपलाइन के पास। और जब आप प्रैक्टिकली फोर्थ स्लॉट तक पहुंचते हो, स्लोली स्लोली ऐसी इनकम, क्योंकि आपके साथ जुड़े हुए लोग भी अपना नेटवर्क बनाने लगते हैं, संगठन बनाने लगते हैं, आपको भी इनकम आना शुरू हो जाता है। चौथे इंसान को जोड़ा तो क्या हुआ, रिसाइकल हुआ, पहुंच गया अपलाइन के पास। अपलाइन के पास तो पहुंच गया, लेकिन आपके लिए नए चार लोगों को जोड़ने का रास्ता सिम खुल गया। यहां तक आपने कमा लिया .1 बीएनबी, यानी टोटल क्या हुआ, हो गया 0.17, यानी कि 5,100 आपकी इनकम हो गई, और साथ में पांच आईडी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं 10,80,000 में।
नॉन वर्किंग इनकम के रूप में। आपने फटाफट अपग्रेड किया पांचवा स्लॉट, यहाँ से कुछ डिफर होने वाला है, ध्यान से सुन लीजिएगा, हर चीज एक सरीखी नहीं है, यहाँ पर है बदलाव। 0.01 बीएनबी से आपने पांचवा स्लॉट अपग्रेड किया, आपके साथ पहले इंसान ने अपग्रेड किया तुरंत E5 प्लस यानी कि 144 बीएनबी ने, नॉन वर्किंग इनकम का प्रकार नंबर दो यहां से शुरू हो गया। और जैसे दूसरा इंसान जुड़ा या तीसरा इंसान जुड़ा तो एक स्लॉट का कीमत है 0.1 बीएनबी, दो लोगों का हो गया 0.2 बीएनबी, पूरा का पूरा आपके ट्रस्ट वॉलेट में बिना किसी रुकावट, नो विड्रॉल सिस्टम, नथिंग, सीधा बीएनबी ट्रस्ट वॉलेट में। चौथा इंसान जुड़ा, पता है कहाँ जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, अपलाइन के पास जाएगा। अपलाइन के पास क्यों जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए नए चार लोगों को जोड़ने का रास्ता खोल देगा। देखो ये खुल गया, इसलिए आपने चार लोगों को जोड़ दिया, यहाँ पे कमा लिया आपने .2 बीएनबी और स्लॉट अपग्रेड कर लिया स्लॉट नंबर 6। लेकिन वहां पर 5 तक में क्या कमाया, 0.37 यानी कि 11,000 इनकम भी हो गई भिड़ू, और साथ में 5 आईडी E5 प्लस के एक आईडी के साथ मिला के हो गया 54 लाख। यानी कि यहाँ पर आपका E5 प्लस के नाम का 144 बीएनबी का एक नया ऑटोपुल का दौर शुरू हो गया। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 6th स्लॉट जब आप अपग्रेड करते हो 0.2 बीएनबी से, आपके साथ पहले इंसान ने 6th स्लॉट अपग्रेड किया और तुरंत आपका EG4 नाम का एक और नया ऑटोपुल स्टार्ट हो गया। ये नॉन वर्किंग इनकम आपको 610 बीएनबी पर आईडी इनकम देती। जैसे आपने यहाँ पे दूसरा या तीसरा इंसान को जोड़ा, दूसरा और तीसरे इंसान का .2 बीएनबी आपको मिलेगा, दोनों का मिला के हो गया .4, तो वो सीधा आपके ट्रस्ट वॉलेट में भी पहुंच गया। मतलब कि आप अब तीन प्रकार के अलग अलग नॉन वर्किंग में भी पहुंच गए और इनकम भी आ गई। चौथे इंसान को जोड़ा, वो मुझे मालूम है, अब आपको भी पता है कि वो रिसाइकल हो जाएगा, रिसाइकल होके पहुंच जाएगा अपलाइन के पास, और अपलाइन के ट्रस्ट वॉलेट में पहुंचने से आपके नए चार आईडी को जोड़ने की जगह खाली कर देगा। लेकिन एक बात यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि जब आप 6th स्लॉट पर पहुंचते हो, आपकी टीम भी तो आपका डुप्लीकेशन करती है, और ऐसा रिसाइकल होके पैसा बीएनबी के रूप में आपके वहां आना शुरू हो चुका होता है। चलिए देखते हैं 6th स्लॉट का स्टेटस क्या है। 0.77 बीएनबी यानी कि 23,000 आपकी इनकम, एक 6 स्लॉट तक एक एक साइकिल खत्म होने पर हो गया 23,000 की इनकम, और साथ में अलग अलग किस्म का यानी कि E5 में 5, E5 प्लस में 1 और EG4 में 610 बीएनबी का एक नया और ऑटोपुल, सब मिला के हो गया 2,37,00,000 नॉन वर्किंग इनकम के रूप में। यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा, एवरग्रीन परिवार में हर एक इंसान मैक्सिमम क्राउड उस बिजनेस को 6th स्लॉट से तो शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मैथमेटिक्स का जादू बहुत जबरदस्त मालूम रहता है कि हमें एक साथ तीन प्रकार की नॉन इनकम अगर मिल सकती है तो क्यों ना बिजनेस वहीं से शुरू करें। दैट्स व्हाई, चलो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। जब आप 7th स्लॉट अपग्रेड करते हो, कीमत है .4 बीएनबी, आपके साथ पहले इंसान ने जैसे ही 7th स्लॉट अपग्रेड किया तो तुरंत आपको दोनों चीज मिली, यानी कि .2 बीएनबी भी ट्रस्ट वॉलेट में आया और साथ में E5 प्लस में और दो आईडी पहुंच गई। यार ये E5 प्लस 144 बीएनबी वाला नॉन वर्किंग है। और आप 7th फ्लोर पे हो या किसी भी फ्लोर पे हो, दूसरा इंसान जुड़ा नहीं कि पूरी कीमत यानी कि .4 पूरा का पूरा आपके ट्रस्ट वॉलेट में तुरंत पहुंच जाता है। तीसरा इंसान को जोड़ा, दो कलर का दिखाई दिया यानी कि 50-50 .2 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएंगे और .2 बीएनबी आपके सेकंड अपलाइन के पास। अब ये सेकंड अपलाइन वाला कमीशन तो आपको भी कब का आना शुरू हो जाता है, ये प्रैक्टिकल बात है। जैसे ही 4th इंसान को जोड़ा तो तुरंत वो रिसाइकल हो गया, पहुंच गया अपनी अपलाइन के पास, और उनकी जो भी कंडीशन रहेगी पहली दूसरी तीसरी चौथी उसके हिसाब से उनको मिल जाएगा। पर आपके लिए क्या करेगा, नए चार लोगों को जोड़ने का दरवाजा सिम खुल गया। तो यहाँ पे आपने कितना टोटल कमाया .8 बीएनबी, और अब तक का टोटल कितना कमाया 1.57 बीएनबी यानी कि 47
2100 और ऑटो पुल के रूप में E5 में 5, E3, E5 प्लस में अब 3 हो गए आईडी और EG4 में तो एक है, सब मिला के हो गया 3.24 करोड़, यानी कि 3.25 करोड़ की नॉन वर्किंग इनकम में आप पहुंच चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि मंजिल पे तो पहुंचना ही है, ढेर सारा पैसा कमाना है बीएनबी के रूप में। स्लॉट नंबर 8, 8वां स्लॉट .8 से अपग्रेड होता है, जिससे ही आपने पहले आपने एक स्पॉन्सरर को अपग्रेड करवाया, यहाँ पे दोनों चीज मिली। देखो गौर से, आपकी इनकम अभी यहाँ से रॉकेट लॉन्चर की तरह बढ़ने जा रही है। पहले इंसान को 8th स्लॉट अपग्रेड करवाया, .6 बीएनबी सीधा आया आपके ट्रस्ट वॉलेट में, यानी कि ऑलमोस्ट 75%, और साथ में दो 144 बीएनबी वाली आईडी पहुंच गई ऑटो पुल में। दूसरे इंसान को जुड़ा, अरे यार मजा आ गया, पूरा .8 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में। तीसरे इंसान को जोड़ने पे 50-50, यानी कि .4 आपके ट्रस्ट वॉलेट में, .4 सेकंड अपलाइन के पास। चौथे इंसान को जोड़ा, पहुंच गया रिसाइकल होके आपकी अपलाइन के पास, और उन्होंने वापस 8th स्लॉट पर और 4 लोगों को जोड़ने का रास्ता खोल दिया। यहाँ पर आपने कमा लिया 1.8 बीएनबी, वाओ, ये हुई ना अभी ओरिजिनल इनकम। तो यहाँ तक आपने कमा लिए 3.37 बीएनबी, 1,00,000 रुपया, और साथ में ढेर सारे नॉन वर्किंग इनकम के रूप में सब मिला के 4,11,00,000। अब आगे बढ़ते हैं 9th फ्लोर, यानी कि स्लॉट नंबर 9, 1.6 बीएनबी से अपग्रेड होता है आपके साथ एक इंसान ने। पहले इंसान ने जैसे ही अपग्रेड किया, 1.6 में से 1.2 सीधा पहुंच गया आपके ट्रस्ट वॉलेट में, और साथ में 4 आईडी 144 बीएनबी वाली। दूसरा इंसान जुड़ा 1.61 बीएनबी सीधा आपके लिए। तीसरे इंसान का 50-50, यानी कि .8 आपके वहां और .8 आपके सेकंड अपलाइन के वहां, और रिसाइकल होके चौथा आईडी गया अपने स्पॉन्सरर अपलाइन के पास। आपके लिए क्या किया, आपके लिए नई और 4 जगह खोल दी। 9th स्लॉट में कमा लिए 3.6 बीएनबी, टोटल कितना मिला अब तक, कमा लिया आपने 6.97 बीएनबी, यानी कि 2,09,000, और टोटल आइडिया आपकी हो गई नॉन वर्किंग का टोटल देखोगे तो हो जाता है 5,85,00,000, यानी कि ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास, क्योंकि इस बार E5 प्लस में आपकी 9 आईडी पहुंच चुकी है। चलिए चलते हैं 10वें स्लॉट पे, क्योंकि आपको भी मेरी तरह मंजिल तक ही पहुंचने पर रुकने की आदत है। चलिए तो 10th स्लॉट पे होता है 3.2 बीएनबी से शुरू। पहले इंसान को आपने अपग्रेड करवाया 3.2 बीएनबी से, पूरा 2.8 बीएनबी तो आपकी झोली में आ गया सर, और साथ में 4 आईडी पहुंच गई E4 E5 प्लस की 144 बीएनबी वाली। दूसरे इंसान को जोड़ा, तुरंत पूरा का पूरा 3.2 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ गया। तीसरे को जोड़ने पर 1.6 बीएनबी आपके पास तो आया, 1.6 बीएनबी आपके सेकंड अपलाइन के पास भी गया। चौथे इंसान को जोड़ा, अब आपको ये तो याद ही रह गया है कि वो रिसाइकल होता है, चला जाता है अपलाइन के पास, क्योंकि उनके पास पहुंचने से आपके लिए वापस नए 4 लोगों को जोड़ने की जगह खुल जाती है। स्लॉट में आपने एक ही साइकिल में कमा लिया 7.6 बीएनबी, लेकिन अब तक टोटल कितना कमाया, 4,37,000, वो तो आपकी इनकम हो गई। जरा याद तो करो, आपने इस बिजनेस को शुरू कितने से किया था, सिर्फ 500 रुपए से। चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं था, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है, लेकिन कोशिश का परिणाम देखो, सिर्फ 10वें फ्लोर तक ही तो अभी पहुंचे हो, 4,37,000 कमा चुके हो, और उसके साथ आपके ढेर सारा नॉन वर्किंग इनकम के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। टोटल मिलता है 7.6 करोड़ का नॉन वर्किंग इनकम। अपनी फाइनल मंजिल की ओर आगे बढ़ते हुए 11 स्लॉट अपने अपग्रेड किया 6.4 बीएनबी से, साथ में एक इंसान को अपग्रेड करवाया कि तुरंत उसके 6.4 बीएनबी में से 6 बीएनबी तो आप ही को मिल गए, और साथ में 4 आईडी 144 बीएनबी के ऑटो पुल में गई, वो अलग। दूसरे इंसान का तो मजा ही कुछ और है, क्योंकि पूरा का पूरा 6.40 बीएनबी आपके ही ट्रस्ट वॉलेट में आना है। तीसरे में 2 कलर, यानी कि 50-50, 3.2 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में,
नौ विड्रॉल बटन सीधा आ गया और 3.2 आपके सेकंड अप्लाइंग के पास, और चौथे को जैसे ही जोड़ा रिसाइकल हुआ, रिसाइकल होके उनकी वो जो पोजीशन है उसके हिसाब से अप्लाइंग को मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए सिम खुल जा, नए चार लोगों को जोड़ने का रास्ता खुल गया। आपने तो 11 स्लॉट में कमा लिए 15.60 बीएनबी, और अब तक का टोटल 500 रुपए से बिजनेस शुरू किया था 30.17 बीएनबी तो कमा लिए है, यानी कि 9,05,000। और साथ में ये जो नॉन वर्किंग इनकम मिल रही है पिंक कलर में उभर उभर के बाहर आ रही है, टोटल देखो तो हरे कलर में हो गया 9,38,00,000, 9,30,00,000 रुपया का नॉन वर्किंग इनकम। और एक यहाँ से 12 स्लॉट एवरग्रीन परिवार में जो भी आता है ना, जब समझने लगता है कि ये तो बीएनबी कमाने का एक बहुत ही बड़ा जंगल है जहां पे कितने भी काटो बढ़ते ही जाते हैं, उसी तरह हर एक इंसान का ड्रीम होता है कि यार मेरा भी 12th स्लॉट हो जाए। तो चलिए देखिए इस 12th स्लॉट की मजा प्रीमियम है, गौर से देखिएगा। जब आप 12th स्लॉट अपग्रेड करते हो 12वीं मंजिल 12.80 बीएनबी से आपने स्लॉट अपग्रेड किया, आपके साथ जैसे ही पहले इंसान ने स्लॉट अपग्रेड किया आपको 7.8 बीएनबी तो ट्रस्ट वॉलेट में आ ही गए, साथ में E3 प्रीमियम 300 बीएनबी का नॉन वर्किंग इनकम सिर्फ 5 किस्तों वाला आपके लिए काम करना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ 3 की मैट्रिक है, यानी कि बहुत फास्ट चलता है। जैसे ही आपने दूसरे इंसान को आपके साथ जोड़ा 12.8 बीएनबी पूरा का पूरा आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ गया, तीसरे का एज यूजुअल 50-50 यानी कि 6.4 बीएनबी पहुंच गए आपके ट्रस्ट वॉलेट में और 6.2 बीएनबी आपके सेकंड अपलाइन के पास। यहाँ पे भी चौथे इंसान का जैसे अपग्रेड करवाया पहुंच गया अपने अपलाइन के पास, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आपके लिए ढेर सारी नई उपलब्धि यानी कि और नए चालकों को जोड़ने का रास्ता खुल गया, और 12 स्लॉट में आप 300 बीएनबी के प्रीमियम नॉन वर्किंग इनकम में पहुंच तो गए, साथ में कमा लिए 27 बीएनबी। जरा टोटल बाद में कीजिएगा, 27 बीएनबी मल्टीप्लाई बाय 30,000 तो क्या इनकम हो जाती, चलिए वो बाद में देखेंगे, अभी तो बीएनबी की भरमार है। 12 स्लॉट तक पहुंचोगे तब तक एक साइकिल खत्म होने में आपको मिल जाएंगे 17,15,000, और ढेर सारी नॉन वर्किंग इनकम जो यहाँ पे एक और नई एड हुई E3 प्रीमियम 90 लाख रुपीज, सब मिला के हो गया 10.36 करोड़। और साथ में एक विक्ट्री क्लब में भी आप एंटर हो जाते हो, उसके फीचर्स में बाद में बताता हूँ। फिलहाल चलते हैं अपनी फाइनल मंजिल की ओर, वो है 13 स्लॉट, 13 नंबर का स्लॉट, नो मोर अपग्रेडेशन, ऑनली अर्निंग, ऑनली अर्निंग, ऑनली अर्निंग। जैसे आपने 13 स्लॉट अपग्रेड किया 25.6 बीएनबी से, आपके साथ एक और इंसान को अपग्रेड करवा दिया, जैसे ही पहले इंसान ने अपग्रेड किया 15.60 बीएनबी ट्रस्ट वॉलेट में आ गया, अब कुछ अपग्रेड नहीं करना है, सिर्फ ठेला भर भर के बीएनबी ले जाना है ट्रस्ट वॉलेट में। साथ में E3 प्रीमियम में आपकी और 2 ID पहुंच जाती है। सेकेंड इंसान को 13 स्लॉट अपग्रेड करवाया पूरा 25.60 बीएनबी, नैनो सेकंड में पहुंच गया आपके ट्रस्ट वॉलेट में बिना कोई विड्रॉल का बटन टच किए। जिसे तीसरे इंसान को जोड़ा 12.8 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में और 12.8 बीएनबी सेकंड अपलाइन के पास, और चौथे इंसान को जोड़ा रिसाइकल हुआ, रिसाइकल होके पहुंच गया अपनी अपलाइन के पास, उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको तो मिल जाएगा, लेकिन अब आपके लिए वापस 13th स्लॉट पर नए चार लोगों को जोड़ने का रास्ता खुल गया। अरे यार 13th स्लॉट में ही तो 54 बीएनबी कमा लिए, जरा देखना तो सही 54 मल्टीप्लाई बाय 30,000 तो क्या ह्यूज इनकम जनरेट होती है। चलिए 13 स्लॉट तक पहुंचते टोटल 111.17 बीएनबी आपने कमाए हैं, यानी कि 33,35,000, और उसके साथ में नॉन वर्किंग इनकम की तो बरसात होती है, देख लो सब मिला के टोटल हो जाएगा तकरीबन 12 करोड़, यानी कि परफेक्टली कहूं तो 11.99 करोड़ के नॉन वर्किंग इनकम में आप पहुंच चुके हो।
और लेकिन तब तक आपकी जो इनकम हो जाती है, बहुत सारी प्रैक्टिकल डीप में से जो इनकम आती है वो तो आप गिनते गिनते थक जाते हो। चलिए, आपके दिमाग में कब से जो परेशानी हो रही है कि ये ऑटो पुल बोल तो रहे हो भाई, लेकिन ये आता कैसे है, उतनी सारी अमाउंट बनती कैसे है, चलो वो भी खर खर रुक जाएगी आपकी। ध्यान से देख लो, जब आपने पांचवा स्लॉट अपग्रेड किया 0.188 बीएनबी, यानी कि मान लो आपने भी मेरी तरह एक से पांच फ्लोर साथ में खरीद लिए, पांच फ्लोर साथ में अपग्रेड कर लिए 0.18 बीएनबी से, तो 6000 की लागत हुई थी शायद। और आपने जब एक इंसान को आपके साथ पांचवे स्लॉट तक अपग्रेड करवाया तो आप पहुंच गए 144 बीएनबी वाले E5 प्लस नॉन वर्किंग, जो ग्लोबली 5 के मैट्रिक से काम करता है। जब एक दिन आपके नीचे पूरी दुनिया से लोग जुड़ते जुड़ते 5 लोग आ जाएंगे तो उसमें से दूसरे और चौथे इंसान का .1 बीएनबी, दोनों का मिला के .2 बीएनबी पहुंच गया आपके ट्रस्ट वॉलेट में, और बाकी के 3 लोगों का पहुंच गया आपके ग्लोबल अपलाइन के पास। लेकिन उससे क्या हुआ, आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो गया। और यहाँ पे देखो, 6 किस्तों में, टोटल 6 किस्तों में आपको 1.144 बीएनबी की इनकम जो होती है, और यहाँ पे भी तीसरी किस्त से लेके चौथी, पांचवी और छठी, हर किस्त में आपके लिए नए नए 4 आईडी रीजनरेट होते जाते हैं। यानी कि जब आपका एक आईडी 144 बीएनबी का अंदाज से 43 लाख रुपीज कमा के जब आपको देगा, तब तक आपकी 16 आईडिया फिर से रीजनरेट होके हर एक आईडी से आपको 144 बीएनबी देने के लिए काम करने लगती। यह है रीजनरेशन का अजब गजब का चालू, जो आपको इस बिजनेस में जुड़ने से ही समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश तो मेरी चालू ही है। EG4 नाम का नॉन वर्किंग इनकम जो 610 बीएनबी का है, मान लो आपने भी 6 स्लॉट एक साथ अपग्रेड कर लिए, एक से 6th फ्लोर .38 बीएनबी से हो जाएगा 12000 पकड़ लो के चलो अंदाज से। आपके साथ एक इंसान ने 6th स्लॉट अपग्रेड किया, आप पहुंच गए 610 बीएनबी के नॉन वर्किंग, जो सिर्फ 4 के मैट्रिक से चलता है। यानी कि दूसरे और चौथे इंसान का जो .2 है वो पहुंच गया आपके ट्रस्ट वॉलेट में, और पहले और तीसरे इंसान से पहुंच गया आपके ग्लोबल अपलाइन के पास, लेकिन वो वहां पर जाने से आपका नया स्लॉट अपग्रेड हो गया। और 10 किस्तों में तीसरी किस्त से वापस तीसरी किस्त से लेके 10वीं किस्त तक आपको हर लेवल पर 2-2 आइडिया रीजनरेट होने लगती है, वापस 16 आइडिया बन गई। यानी कि जब आप 610 बीएनबी नॉन वर्किंग इनकम के रूप में कमा के 1.83 सीआर आपके ट्रस्ट वॉलेट में पाते हो, तब तक नई 16 आइडिया वापस आपको 16 बार 610 बीएनबी देने के लिए काम करने लगती है। और इसीलिए कहा जाता है एवरग्रीन, नेवर क्विट, सदा हरा भरा रहने वाला, कभी भी कोई यहां से क्विट नहीं कर पाता है क्योंकि कमाता ही रहता है। चलिए इतनी प्रीमियम की भी बात कर दूं, कोई भी इंसान 1 से 12 स्लॉट बहुत सारे लोग कर लेते हैं, 1 से 12 स्लॉट साथ में अपग्रेड किया 25.575 बीएनबी, यानी कि 7,70,000, ऐसा कोई है, शायद सवाल आया होगा। अरे भाई साहब, 13 लोग हैं जिन्होंने एक साथ 12-12 स्लॉट अपग्रेड किया है। क्यों? क्योंकि वो जवाब मैं दे रहा हूं आपको, जब आपने 12 स्लॉट अपग्रेड किया, आपके साथ एक इंसान ने 12 स्लॉट अपग्रेड किया, सीधा सिर्फ 3 के मैट्रिक से चलने वाले नॉन वर्किंग इनकम में पहुंच गए 300 बीएनबी वाला, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा बट नेचुरल। तो 3 का मैट्रिक्स में जो भी इंसान बीच में आया उससे आपको सीधे 5 बीएनबी, मतलब कम से कम 1.25 लाख का नॉन वर्किंग इनकम पहली किस्त के रूप में आपके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच गया। और 2 लोग जो पहली और तीसरी जगह पर आए उसके 10 बीएनबी पहुंच गए आपके वहां के ग्लोबल अपलाइन के पास, लेकिन उससे आपका नया स्लॉट अपग्रेड तो हो गया सिर्फ 5 किस्तों में, सिर्फ 5 किस्तों में 300 बीएनबी आपको इस E3 प्रीमियम के माध्यम से इनकम मिलती है। और तीसरे, चौथे और पांचवे इंस्टॉलमेंट जो आपके घर आते हैं, साथ में नई खुशियां लाते हैं, हर बार एक नया नया आईडी E3 प्रीमियम का आपके लिए रीजनरेट होता है,
यानी कि आप 300 BNB का ये प्रीमियम क्वालिटी का एक ऑटो पूल कमाते हो 90 लाख रुपीज, तब तक आपकी 3 आइडिया वापस नॉन वर्किंग में चली जाती है, जो वापस आपको 90 लाख देने लगती है। ऐसा हो नहीं रहा है, हो चुका है, लोगों को इसके भी नॉन वर्किंग इनकम आ चुके हैं। अब आपको आज जहां पे इनवाइट किया है ना, जिन लोगों से, आप उनके माध्यम से उन लोगों के बारे में जान भी सकते हो, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसके माध्यम से भी आप वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो जिन लोगों के घर ये पैसा पहुंच चुका है, क्योंकि ये रीजनरेशन का जादू बहुत जबरदस्त है। E3 प्लस में पहली E5 में जो 4 ID गई उसमें नई 16 ID जनरेट हुई तो हो गई 20। E3 प्लस में 17 IDR जनरेट हुई, उसमें भी 16 IDR जनरेट हो गई तो हो गई 33। E3 प्लस में EG4 में 1 ID जो है वो नई 16 IDR रीजनरेट करेगी तो हो जाएगी टोटल ID 17। और E3 प्रीमियम में भी 3 ID के साथ नई 3 ID जनरेट होगी तो हो जाएगी 6। अरे यहाँ पे तो re-IDR रीजनरेट इतनी जल्दी तो होती है, उसकी वजह से तो नॉन वर्किंग इनकम भी जल्दी आता है। तो ये लगातार साइकिल चलता रहता है तो वो आपकी सोच से परे है। मैं एक डेमो देता हूं, जब E5 में आपकी 16 ID रीजनरेट होती है तो उसकी भी तो आने वाले समय में 16 ID रीजनरेट हो जाएगी, जो टोटल हो जाएगी 256। अब ये 256 भी तो वापस नई 16 ID का जन्म देगी तो हो जाएगी 4096, यानी कि 4096 ID। ये कभी भी कहीं पे भी रुकने वाला नहीं, हो सकता है आपकी सोच रुक जाए लेकिन ये रोबोटिक प्रोग्राम है, कहीं रुकेगा नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उसका एक छोटा सा नमूना देता हूँ। EVR कॉइन आने वाले समय में आने वाला है, EVR वॉलेट भी है, EVR स्वैप भी है, और डेफिनेटली EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी भी। अब कोई भी इंसान 6th slot अपग्रेड कर लेता है और अपने साथ एक इंसान को 6th slot करवा लेता है, यानी कि 610 वाला BNB का ऑटो पुल EG4 क्वालिफाई हुआ, सिस्टम ने आपको 250 EVR पॉइंट से गिफ्ट के रूप में दे दिया। सिर्फ 25,000 लोगों को मिलेगा भाई। उसके बाद जो इंसान E3 प्रीमियम 12 स्लॉट करता है और 12 स्लॉट क्वालिफाई यानी कि अपने साथ एक इंसान को करवा लेता है, ऐसे फर्स्ट सिर्फ 1,000 लोगों को मिलेगा 5,000 EVR पॉइंट। अब ये EVR पॉइंट, अरे भाई साहब, एक EVR पॉइंट इज इक्वल टू $1 समझ लो। अभी आने वाले दिमाग समय में ये $1 भी बहुत कम लगेगा, इतना EVR का वैल्यू बढ़ने वाला है। अभी भी जितना बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि 12 स्लॉट पर तो बहुत कम जगह बची है। बेस्ट ऑफ लक टू यू। आगे चलते हैं। जेका फाउंडेशन एक ऐसा नेक सोच है जहां पे ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट मिलता है। आपने इस बिजनेस में जुड़ गए, आपने 4 लोगों को पहले ही स्लॉट तक जोड़ दिया और सिर्फ 5 BUSD से एक बार अपना इंश्योरेंस जैसा रजिस्ट्रेशन करवा लिया जेका फाउंडेशन में, यहाँ पर आपको ग्लोबल डेथ बेनिफिट यानी कि आपकी गैर मौजूदगी में सिस्टम की ओर से जितने भी जेका फाउंडेशन में लोग हैं उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि सब लोग एक इनके जितना एक एक USD का सपोर्ट करो, क्योंकि जो इंसान नहीं रहा उसके ना रहने के बावजूद उसका ट्रस्ट वॉलेट BNB का अंबार लगा देगा। डिटेल में बाद में जानकारी मिल जाएगी, बहुत सारी बातें एक साथ शायद याद रखना मुश्किल हो, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में एकदम छोटी बात कर रहा हूँ। बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए फंड भी मिलेगा और विक्ट्री क्लब एक ऐसा जगह है जहां से आपको हर महीने इनकम कुछ ना कुछ तो आती ही रहती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट प्ले स्टोर से अपना ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करो, एक छोटी सी कीमत से शुरू होने वाला ये बिजनेस शुरू करो, जहां पे ना कोई रिस्क है लेकिन मिल गया, अगर आपने हमारी तरह थोड़ा सा भी काम कर लिया तो आप लाखों में खेलोगे। हो सकता है आपको भी, जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन आज खेल रहा हूं, यही आपके साथ होने वाला है, क्योंकि ये बिजनेस 100% डुप्लीकेशन का है। तो ज्यादा मत सोचो, सोचने से परिणाम नहीं मिलेगा, परिणाम काम करने से मिलेगा, और यहाँ पे 150 लोगों को ये परिणाम मिल चुका है। आप भी तैयार हो जाओ, फटाफट अपना अकाउंट ओपन करो, आ जाओ BNB की दुनिया में, मैं खुले हाथों से आपका स्वागत करता हूँ।
थैंक यू वेरी मच, हर हर महादेव।